नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, एसएससी एमटीएस 2020 टीयर 2 का जो एग्ज़ाम की डेट है वो आपकी आ चुकी है। 8 मई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ कि लेटर और एसे कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी। मतलब आपको लेटर लिखना ज़्यादा बेस्ट रहेगा या ऐसे लिखना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि एमटीएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी 2020 में जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें आपको एक ही चीज़ लिखनी है, चाहे आप लेटर लिखो चाहे आप ऐसे लिखो। लेकिन 2021 में आपका सिलेबस चेंज हो गया, आपको दोनों लिखने पड़ेंगे। तो एमटीएस 2020 में आज हम बात करने वाले हैं कि लेटर वर्सेस ऐसे विच इज़ बेस्ट, यानी कि कौन सा पोर्शन जो है क्या आपके लिए लेटर बेस्ट रहेगा, क्या आपके लिए ऐसे बेस्ट रहेगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। उसके अलावा अगर आप एसएससी एमटीएस 2020 टीयर 2 के एग्ज़ाम में 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं और बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आज ही हमारे कंप्लीट टीयर 2 पीडीएफ प्लस वीडियो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की खास बात क्या है कि यहाँ पे हम आपको जो जितना भी कंटेंट पढ़ने वाला है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके अलावा 40 प्लस जो आरटीआई की कॉपी है वो आपको पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड कराएंगे, प्लस इनका वीडियो सॉल्यूशन कराएंगे। उसके अलावा लेटर कैसे लिखते हैं, ऐसे कैसे लिखते हैं, किस पोर्शन के कितने नंबर मिलते हैं, और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि हम आपकी डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं। टिल एग्जाम में प्रैक्टिस चलने वाली, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इस कोर्स में बहुत कुछ है और जितनी मेहनत मैं आपकी कराने वाला हूं, अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो 100% आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। और इसकी कॉस्ट जो है वो हमने इतनी कम रखी है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। आपको करना क्या है इसके लिए, 6307185699 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अब अगर हम बात करें कि लेटर और एसे में क्या है बेटर, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करेंगी कि आपका जो टॉपिक है, जैसे ऐसे और लेटर दोनों ही बेटर है, लेकिन डिपेंड करेगा कि पेपर आपका कैसे आता है। जैसे कि अगर हम बात करें ऐसे की, तो ऐसे अगर आपका करंट टॉपिक पे मान लेते हैं आते हैं, करंट टॉपिक पे अगर आपका ऐसे आता है और आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छे तरीके से पता है, जैसे मान लेते हैं कि डिजिटल इंडिया के बारे में बोला गया कि ऐसे लिखिए, ठीक है 250 शब्दों में ऐसे लिखिए, और आपको डिजिटल इंडिया के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ पर जो लड़ाई होगी वो फैक्ट्स की होगी। तो जिसको जितने अच्छे फैक्ट्स पता होंगे उसको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है, और जिसको नहीं पता होंगे उसको उतने अच्छे नंबर नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। लेकिन वहीं अगर बात करें कॉमन टॉपिक, अगर मान लेते हैं दीपावली पे आ जाता है, ठीक है, दीपावली पे आ जाता है आपका ऐसे लिखने के लिए, तो सबको सब कुछ ना कुछ तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर सब उतना बेहतर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये करेंट टॉपिक पूछा गया है, मतलब ये इसमें फैक्ट्स की ज़रूरत है। तो फैक्ट जो जितने बेहतर बताएगा उसको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, जो नहीं बता पाएगा उसको नंबर नहीं मिलेंगे। और ये है कॉमन टॉपिक आपका, तो यहाँ पे सब कुछ ना कुछ तो लिख के आएंगे, तो उनको जो मार्क्स मिलेंगे वो एवरेज मार्क्स मिलेंगे, किसी को फेल नहीं किया सकता। ऐसा नहीं कि दीपावली के बारे में किसी को कुछ पता ना। और उसके अलावा यहाँ पर आपकी स्किल भी मैटर करेगी कि आपको लिखने का तरीका आपका कैसा है। उसके अलावा इंट्रोडक्शन आप कितना अच्छे से अच्छा लिखते हो, मेन बॉडी आप कितने से अच्छा लिखते हो, आप कंक्लूजन कितना अच्छे से अच्छा करते हो, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर आपका मान लेते हैं करंट टॉपिक पे ऐसे आता है और वो टॉपिक आपका तैयार है, तो वहाँ पे ऐसे आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। मैंने बताया ना कि आपका सारी चीज़ें परिस्थितियों पे डिपेंड करेंगी। अगर मान लेते हैं करंट टॉपिक पे आता है और वो टॉपिक आपका तैयार है, तो वहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं। और अगर हम बात करें लेटर की, तो लेटर जो है वो दोनों ही कंडीशन में सेफ है, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और नंबर की ज़रूरत तब पड़ेगी जब दो स्टूडेंट ऐसे हों जिनके मार्क्स सेम हो, तो वहाँ पे टीयर 2 के मार्क्स आपके देखे जाएंगे, जिसके टीयर 2 के मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको सीट दी जाएगी। तो लेटर की अगर हम बात करें तो लेटर तो दोनों कंडीशन में सेफ रहेगा, ठीक है। लेटर में किस पोर्शन के नंबर मिलते हैं वो आप समझ लो। देखिए यहाँ पे सबसे जो मेन है वो आपका फॉर्मेट है। फॉर्मेट में राइटर का एड्रेस अगर आपने प्रॉपरली लिखा है तो उसके अलग मार्क्स मिलेंगे, सल्यूटेशन आपने किया है तो उसके अलग मार्क्स मिलेंगे, आपने रिसीवर का एड्रेस लिखा है, आपने सब्जेक्ट लिखा है, उसके अलावा मेन बॉडी बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, तो इन सब के मार्क्स मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है, देखो मुझे ऐसा लगता है अगर इन दोनों की अब कंपेरिजन की जाए तो लेटर ज़्यादा वेटेज रखता है यहाँ पे, क्योंकि लेटर में बहुत ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करने की ज़रूरत है। फॉर्मेट बस एक बार आपको समझना है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल जो लेटर है उसका आपका फॉर्मेट क्या है, ठीक है।
और उसके अलावा आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको, जैसे कि मान लेते हैं अगर ऑफिशियल आप लेटर लिख रहे हैं तो कुछ लाइन आपकी कॉमन ही होती हैं, जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो वो लाइनें आपको लिखना ही लिखना है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे और लेटर की अगर बात की जाए तो लेटर में अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ा सा मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आप जो मतलब फॉर्मेट है, फॉर्मेट अगर आपने ठीक तरीके से लिख दिया तो उसके भी नंबर आपको मिलते हैं, जबकि ऐसे में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मेट अगर आपने लिख दिया तो उसके नंबर मिलेंगे। उसके अलावा मेन बॉडी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो मेन बॉडी भी आप बहुत बेहतर लिख के आएंगे। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता है, 150 वर्ड में आपको लिखना है, उसमें भी 10% आप प्लस माइनस कर सकते हो। तो अगर इन दोनों का कंक्लूजन किया जाए तो मेरे हिसाब से लेटर जो है लिखना वो ज़्यादा बेटर है। लेटर आप उसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं, मेहनत भी बहुत कम है, और अगर थोड़ा सा उस पर काम करेंगे तो एक बहुत बेहतर लेटर आप लिख सकते हैं और नंबर भी आप बेहतर पा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि ऐसे और लेटर में क्या बेटर रहेगा आपके लिए। इससे अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप एक इफ़ेक्टिव लेटर लिख सकते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में बात करेंगे कैसे आप एक इफ़ेक्टिव ऐसे लिख सकते हैं, और फिर लगातार वीडियोस आती रहेंगी कि लेटर में किस पोर्शन के कितने नंबर मिलते हैं। तो कंप्लीट तरीके से मैं आपको गाइड करता रहूँगा, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।